गुड मॉर्निंग क्लास, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्लास टेंथ में कल केमिस्ट्री में हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे मेटल एंड नॉन मेटल अर्थात धातु एवं अधातु। चैप्टर चल रहा था धातु एवं अधातु चैप्टर था, तो इसमें हमने क्या बताया था कि धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है, ठीक है, धातु किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं, उपधातु किसे कहते हैं। उसके बाद में हमने ये बताया था कि धातु के भौतिक गुण, आज क्या पढ़ना है, धातु के भौतिक गुण। कल धातु अधातु एवं उपधातु के बारे में निकल बताया था। उसके बाद में आज देखेंगे जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है, धातु के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। क्या है धातु के भौतिक गुण, तो सबसे पहले ये देखेंगे धात्विक चमक। धातु के भौतिक गुण में सबसे पहले ये निकालेंगे धात्विक चमक। क्या बताएंगे कि धात्विक चमक में हेडिंग में क्या बताएंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण धातु की सतह की जो होती है वो क्या होती है, चमक युक्त होती है। क्या बताएंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण जो धातु होती है उनकी जो सतह है वो क्या होती है, चमक होती है। धातु पर क्या होता है, लेप या पॉलिश करके उनको चमकदार बनाया जाता है। क्या बताएंगे धातु चमक के लिए, क्या बताएंगे कि धातु मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण धातु की जो सतह होती है वो चमकयुक्त होती है, और इनकी सतह पर लेप या पॉलिश करके इनको क्या किया जाता है, चमकयुक्त या चमकदार बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल बता दीजिए, तांबा हो गया CU, सोना हो गया AuR, गोल्ड होता है, या चांदी हो गया, ये सब क्या हो गए, इसके एग्जाम्पल हो गए। मतलब क्या है कि इन धातुओं को सब जो है लेप या पॉलिश करके इनकी सतह को क्या किया जाता है, चमकदार या चमकयुक्त बनाया जाता है। तो ये पहले ही रेंग धातु के भौतिक गुण में आपने क्या पढ़ा, धात्विक चमक। क्लियर है यहां तक। इसके बाद में क्या बताएंगे, इसमें एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। क्या अपवाद है, ग्रेफाइट। क्या बताएंगे, ग्रेफाइट और आयोडीन, ग्रेफाइट और आयोडीन जो धातु हैं जो है इनको क्या किया जाता है, ये भी चमकदार होती है, परंतु इनको क्या किया गया है, अधातुओं के अंतर्गत रखा गया है। क्या बताया गया, रजत ने बताया मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण जो सभी धातुएं होती हैं वो क्या होती है, चमकदार होती है। इनकी सतह पर लेप या पॉलिश करके इनको चमकयुक्त या चमकदार बनाया जाता है। एग्जाम्पल में मैंने बताया तांबा, सोना, चांदी, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद में एक्सेप्शन में हमने क्या बताया, अपवाद स्वरूप क्या बताया कि ग्रेफाइट और आयोडीन जो होती है ये भी बहुत ही चमकदार होती है, लेकिन क्या किया गया है, इनको अधातु के अंतर्गत रखा गया है। अपवाद क्यों है, क्योंकि अभी हमने बताया कि धातु की सतह जो होती है क्या होती है, चमकदार होती है, तो ये भी क्या होती है, ये चमक होती है इनमें, ठीक है, इनमें क्या, ये भी चमकदार होती है, परंतु इनको क्या किया गया है, अधातु के अंतर्गत रखा गया है। तो ये क्लियर हो गया, ये टॉपिक, ये हेडिंग क्लियर हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे, विद्युत एवं उसकी सुचालकता।
आगे क्या बताएंगे, इसमें क्या बताएंगे कि अधिकांश धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती हैं। क्या बताएंगे, अधिकांश धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती हैं क्योंकि इनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। क्या बताएंगे कि अधिकांश धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती है क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे तांबा, सोना, चांदी, ये सब क्या हो गए, ऊष्मा के सर्वश्रेष्ठ सुचालक होते हैं। एग्जाम्पल में क्या बताएंगे, तांबा, सोना, चांदी, ये सब क्या है, विद्युत ऊष्मा के, विद्युत तथा ऊष्मा के सर्वश्रेष्ठ सुचालक होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे, रेप लिख दे रहे हैं, ये दो नंबर हेडिंग थी। तीन नंबर में क्या लिखेंगे, आघात वर्धनीयता। क्या हेडिंग है, आघात वर्धनीयता। कुछ धातुएं होती, कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं, आघात वर्धनीय होती हैं, अर्थात उनको पीट पीट करके धातु की पतली चादरों के रूप में इनको बनाया जा सकता है। धातु की चादर में परिवर्तित होने की जो क्षमता होती है, उस क्षमता की जो गुण होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता कहते हैं। तो आप क्या बताएंगे, कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनको पीट पीट करके धातु की पतली चादरों के रूप में बनाया जाता है। पतली चादरों के रूप में बनने के जो ये गुण होता है, इसी गुण को हम क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता का गुण कहते हैं, या इसे आघात वर्धनीय धातुएं कहते हैं। जैसे चांदी, सोना अत्यधिक जो है ये आघात वर्धनीय होती है। जैसे सोना, चांदी, ये सब क्या होती हैं, आघात वर्धनीय धातु होती है, अर्थात इनको पीट पीट करके पतली चादरों के रूप में बनाया जा सकता है। जैसे चांदी में आपने देखा होगा कि चांदी की जो पन्नी होती है बहुत ही पतली होती है, तो इसको क्या किया जाता है, चांदी को पीट पीट करके ही क्या किया जाता है, उस पतली सी पन्नी को बना लिया जाता है। अर्थात ये सब किसके अंतर्गत आएंगी, आघात वर्धनीयता के अंतर्गत आएगी, अर्थात इनको पीट पीट करके पतली चादरों के रूप में बनाया जा सकता है। नेक्स्ट यही पढ़ेंगे, तन्यता। इसमें क्या बताया गया, इसमें ये बताया गया कि कुछ धातुएं क्या होती हैं, सामान्यतः तन्य होती हैं, अर्थात उन्हें खींच करके पतले महीन तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। क्या बताया गया कि कुछ धातुएं बहुत ही तन्य होती हैं, अर्थात इनको खींच खींच करके पतले तारों के रूप में इनको परिवर्तित किया जा सकता है। धातु की इस गुण को हम क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। तो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, इनको क्या किया जाता है, खींच खींच करके पतले तारों के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। धातु के इस गुण को, अर्थात तार में परिवर्तित होने के गुण को हम क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। अगली हेडिंग है कठोरता। इसमें क्या बताएंगे कि सामान्य ताप पर अधिकांश धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं। सामान्य ताप पर अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं। जैसे उदाहरण में क्या बता देंगे, एल्युमिनियम, सोम, लोहा, तांबा। उदाहरण क्या बता देंगे, एल्युमिनियम, लोहा, तांबा, ये सब क्या है, कठोर धातु के कुछ उदाहरण है। ठीक है, क्या बताएंगे कि सामान्य ताप पर अधिकांश धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं। एग्जाम्पल में क्या बताएंगे, लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, ये सब कठोर धातुएं हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल है। इसमें एक एक्सेप्शन होता है, एक अपवाद होता है। क्या पर होता है, सोडियम और पोटेशियम जो धातुएं होती हैं, इनको क्या किया जाता है कि बहुत अर्थात इनको क्या किया जा सकता है, इनको चाकू से काटा जा सकता है। तो ये क्या है, सोडियम पोटेशियम
कैल्शियम स्केल बनकर एक अपवाद स्वरूप है। ठीक है, इन सोडियम और कैल्शियम को क्या किया जाता है, चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे इसके बाद में, गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक एवं क्वथनांक, तो इसमें क्या बताएंगे, वह ताप जिस पर कोई ठोस धात अपनी जो ठोस अवस्था से, वह ताप जिस पर कोई धात अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, धातु का गलनांक कहते हैं। वह ताप जिस पर कोई धात ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, उस धातु का गलनांक कहते हैं। क्लियर है, क्या बताया कि वह ताप जिस पर कोई धातु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, उस ताप को उस धातु का गलनांक कहते हैं। क्लियर है, इसके बाद में बताएंगे क्वथनांक। इसी पढ़ा है क्वथनांक गलनांक एवं क्वथनांक दोनों के बारे में देखना है, तो क्वथनांक में क्या बताएंगे कि वह ताप जिस पर जो है कोई धातु अपनी द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। क्वथनांक में क्या बताएंगे कि वह ताप जिस पर कोई धातु द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। मतलब क्या बताया गया कि जब ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में चेंज हो जाती है, उस ताप को क्या बोलते हैं, गलनांक बोलते हैं। क्वथनांक में क्या बताएंगे, वह ताप जिस पर कोई धातु द्रव अवस्था से क्या होती है, वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, क्वथनांक बोलते हैं। ये क्या हो गया, गलनांक एवं क्वथनांक हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे घन। इसमें क्या बताएंगे, लगभग सभी धातुओं के जो घनत्व होते हैं वो उच्च होते हैं। लगभग जो सभी धातुएं होती हैं उनके जो घनत्व हैं वो क्या होते हैं, उच्च होते हैं। अर्थात ये क्या होती है, भारी होती हैं। सोना सिल्वर चांदी आदि का घनत्व उच्च होने के कारण ये सभी भारी धातुएं होती हैं। सोना चांदी इन सब का जो घनत्व होता है ये अत्यधिक उच्च होता है, इसी कारण जो है ये इनका जो गलनांक सॉरी जो घनत्व उच्च होता है, इसी कारण ये धातुएं इनका जो घनत्व है वो उच्च होता है।